Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today we are going to learn about unit number 9, that is mining. The major topics are mining, types of mining, placer mining, sluicing, panning, dredging, hydraulic mining, open pit or surface mining, hard rock mining, types of hard rock mining, tunnels, shafts. Moving to the first topic, that is mining. Mining is the extraction of valuable minerals or other geological material from the earth, from an ore body, lode, vein, seam or reef, which forms the mineralized package of economic interest to the miner. Konkani se murad kimti madniyat aur dusre geological material ko yani arziyati material ko zameen se nikalna hai jo ki ek kankun ko uske muashi mafad ke liye use chahiye hote hain. Types of mining. There are two types of mining, surface mining, underground mining. Surface mining is further divided into six parts: placer mining, strip mining, mountain top removal mining, hydraulic, open pit dredging. Underground mining further divided into four parts: drift mining, slope mining, shaft mining, hard rock mining. First, we discuss surface mining. Surface mines are mining operations that delve into rock to extract deposit of mineral resources that are close to the surface. In most form of surface mining, heavy equipment such as earth movers first remove the overburden. Zameeni kankani se murad chatano mein dhalkar yani chatano mein se jama hua muad yani deposit muad nikalna. सरफेस माइनिंग में ज़्यादातर बड़ी मशीनरी के ज़रिए ज़मीन की खुदाई करके मिनरल्स को निकाला जाता है. सी द पिक्चर ऑफ सरफेस माइनिंग. फर्स्ट, प्लेसर माइनिंग. प्लेसर माइनिंग इन्वॉल्व्स एनी टाइप ऑफ माइनिंग वेयर रॉ मिनरल्स आर डिपॉजिटेड इन सैंड और ग्रेवल और ऑन द सरफेस एंड आर पिक्ड अप विदाउट हैविंग टू डिराइव यूज डायनामाइट और एनी अदर सिग्निफिकेंट मीन्स. फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड. प्लेसर माइनिंग में रेत और बजरी में मौजूद गोल्ड पार्टिकल्स को निकाला जाता है. इसके लिए ख़ास मशीनरी और डायनामाइट इस्तेमाल किए जाते हैं. सेकेंड इज स्ट्रिप माइनिंग. स्ट्रिप माइनिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ माइनिंग और सीम ऑफ मिनरल्स और बाय फर्स्ट रिमूविंग ऑल ऑफ द सॉइल एंड रॉक डेट लाइज ऑन द टॉप ऑफ इट. इट इज़ सिमिलर टू ओपन पिट माइनिंग इन मैनी रिगार्ड्स. स्ट्रिप माइनिंग में मिनरल्स के ऊपर जो मट्टी और चट्टानें होती हैं उनको हटाकर कीमती मादनियात को निकाला जाता है. थर्ड, माउंटेन टॉप रिमूवल. माउंटेन टॉप रिमूवल इज़ अ रिलेटिवली न्यू फॉर्म ऑफ कोल माइनिंग दैट इन्वॉल्व्स द मैस रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ अर्थ इन ऑर्डर टू रीच सेडिमेंट एज डीप एज 1000 फीट बिलो द सर्फेस. माउंटेन टॉप रिमूवल माइनिंग कोल ही की किस्म है. इसमें भारी मुआद को हटाकर और 1000 मीटर तक खुदाई करके मिनरल्स को निकाला जाता है. फोर्थ, हाइड्रोलिक. हाइड्रोलिक माइनिंग इन्वॉल्व्स हाई प्रेशर वाटर. द वाटर इज सेपरेट एट एन एरिया ऑफ रॉक एंड और ग्रेवल एंड द वाटर ब्रेक्स द रॉक अप डिसलॉजिंग और एंड प्लेसर डिपॉजिट्स द वाटर और मिक्सचर इज देन माइल्ड. This is very destructive way to mine and has been outlawed in most areas. Hydraulic mining पानी के तेज़ प्रेशर से की जाती है. जब किसी रॉक और ग्रेवल पर पानी का स्प्रे होता है तो पानी रॉक को यानी चट्टानों को तोड़ देता है और ये बहुत ही नुकसानदेह तरीका है. कानकुन और कुछ एरियाज़ में ये कानकनी अभी भी होती है. ये तरीका अभी भी इस्तेमाल हो रहा है. ओपन पिट माइनिंग. ओपन पिट माइनिंग इन्वॉल्व्स डिगिंग लार्ज ओपन होल्स इन द ग्राउंड एज अपोज टू स्मॉल शेफ्ट इन हार्ड रॉक माइनिंग. दिस मेथड ऑफ माइनिंग इज मोस्ट ऑफन यूज विद मिनरल्स लाइक कॉपर एंड मोलिब्डेनम. ओपन पिट माइनिंग में बड़े बड़े होल ज़मीन में बनाए जाते हैं और ओपन पिट माइनिंग उस वक्त यूज़ करते हैं जब कॉपर और मोलिब्डेनम जैसे मिनरल्स को निकालने के लिए इस्तेमाल होती है. Dredging. Dredging is a method of often used to bring up underwater mineral deposits. Although dredging is usually employed to clear or enlarge waterways from bores. Dredging वो method है जिसमें पानी के नीचे पाए जाने वाले minerals को निकाला जाता है.
Second, we discuss underground mining. Underground mining refers to a group of techniques used for the extraction of valuable minerals or other geological material from the earth. अंडरग्राउंड माइनिंग से मुराद या अंडरग्राउंड माइनिंग ऐसा तरीका है जिसमें मुख्तलिफ मेथड और टेक्निक्स इस्तेमाल करके ज़मीन के अंदर से मिनरल्स निकाले जाते हैं. फर्स्ट, ड्रिफ्ट माइनिंग. ड्रिफ्ट माइनिंग इज़ अ मेथड ऑफ असेसिंग वैल्यूएबल जियोलॉजिकल मटीरियल सच एज कोल बाय कटिंग इनटू द साइड ऑफ अर्थ रादर देन टनलिंग स्ट्रेट डाउनवर्ड्स. ड्रिफ्ट माइनिंग में सुरंगों में जाने की बजाय ऊपर से ही ज़मीन से कोयला और अहम आदनियात को अलग किया जाता है. स्लोप माइनिंग. स्लोप माइनिंग इज़ अ मेथड ऑफ असेसिंग वैल्यूएबल जियोलॉजिकल मटीरियल सच एज कोल. अ स्लोप असेस्ड शेफ्ट ट्रेवल डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स अ कोल सीम. स्लोप माइनिंग ऐसा मेथड है जिसमें कीमती चीज़ों मसलन कोयला वगैरह तक रोशनी के साथ पहुंचा जाता है और अहम मादनियात तक असेस किया जाता है. शेफ्ट माइनिंग. शेफ्ट माइनिंग इज़ अ टाइप ऑफ अंडरग्राउंड माइनिंग डन बाय यूज़ ऑफ अ माइन शेफ्ट. अ माइन शेफ्ट इज़ अ वर्टिकल पैसेज वे यूज फॉर एसेस टू एन अंडरग्राउंड माइन. शेफ्ट माइनिंग में भी रोशनी इस्तेमाल करके कानकनी की जाती है. हार्ड रॉक माइनिंग. हार्ड रॉक माइनिंग रेफर्स टू वेरियस टेक्निक्स यूज टू माइन ओर बॉडीज बाय क्रिएटिंग अंडरग्राउंड रूम्स सपोर्टेड बाय सराउंडिंग पिलर्स ऑफ स्टैंडिंग रॉक. हार्ड रॉक माइनिंग में मुख्तलिफ टेक्निक्स के साथ कच्ची धातुओं को यानी ओर बॉडीज़ को माइन किया जाता है यानी निकाला जाता है. हार्ड रॉक माइनिंग में पिलर्स के नीचे रूम्स खड़े करके रूम्स की शक्ल में माइनिंग की जाती है और इनसे धातें निकाली जाती हैं. मूविंग टू द एक्सरसाइज पार्ट ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मेंट बाय माइनिंग. व्हाट इज अ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द टर्म माइनिंग. आंसर, माइनिंग इज अ टर्म यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स of any form from the earth. It is a common misunderstanding that mining means extraction of minerals only from under the ground. Extraction of minerals mining under or over the earth does not matter. Question number 2, draw a tree chart to show the types of mining. Mining further divided into three types: open pit, hard rock, hydraulic mining. Placer mining further divided into 3 parts: sluicing, panning, dredging. Hard rock mining is further divided into 2 parts: tunnels and shifts. Question number 3, name the different type of placer mining. Placer mining is the type of mining where raw minerals are picked up without any means from the surface of the earth. There are different types of placer mining which include sluicing, panning and dredging. Question number 4 is, what is dredging? Dredges are large pieces of equipment that devour tons of earth quickly in search of gold. Question number 5, which type of mining is outlawed these days and why? Hydraulic mining is outlawed these days because it is very destructive to the surrounding. Question number 6, name different types of hard rock mining. Hard rock mining has 2 types: tunnels and shafts. Question number 7, which type of mining is considered big boys game and why? Answer, hard rock mining involves a lot of money. An individual or a small company cannot afford this type of mining. That is why it is considered big boys game. Part B, multiple choice questions. Mining is a term used for extraction of minerals. Number 2, mining provides dash for our industries. Raw material. Mining provides a larger portion of our country's GDP means gross domestic product. 4, sluicing allow the capturing of dash gold particles, very fine gold particles. 5th,
Panning is a method used by hobbyist. 6. Dredges are capable of being used to great depths. 7. Hydraulic miner use water. Open pit mining is used for minerals like copper and coal. The removal of gold using hard rock mining is expensive. The last is the underground shafts are called mines. Do you know which is the deepest open pit mine in the world? Bingham Canyon Mine. 2. Which is the deepest mine in the world as of 2008? Tatona Mine. Which is the largest coal mine in the world? Grasberg Mine. Which is the largest coal mine in the world? North Antelope Rochely. Which is the largest mine in Pakistan? Khivra Salt Mine. Which is the longest mine tunnel in the world? Argot Tunnel. Thanks for watching.